नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंह राशि वालों के बारे में बात करेंगे कि 2019 में उनका आर्थिक जीवन कैसा होगा, यानी 2019 में, यानी इस वर्ष 2019 में इनका आर्थिक जीवन कैसा होगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। इस साल आपको छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन फिर भी सुखद परिणाम प्राप्त होगा आपको। सिंह राशि वाले जो होते हैं मेहनती माने जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी इनको जब इनकी मंजिल मिल जाती है तब ये थोड़े से आलसी हो जाते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि समस्या फिर आ रही है, फिर तेजी से फिजिकल और मेंटल रूप से तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो इसी तरह से उनकी क्रिया चलती रहती है। तो इस वर्ष 2019 में चुनौती तो है उनके सामने, और जाहिर है उनका वो सामना कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फरवरी और मार्च की बात करें, इस वर्ष की 2019 की फरवरी और मार्च की बात करें, तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, बिना जाने समझे किसी कागज पर सिग्नेचर न करें, सही तरीके से सोच समझ कर ही किसी निर्णय पर पहुंचे। तो ये दो बहुत मेन चीज हैं, क्योंकि अगर आप दो महीनों में कुछ इन्वेस्टमेंट से संबंधित, धन से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं तो उसके नेगेटिव परिणाम आने के संभावना ज़्यादा है। तो इन दो महीना आपको कहीं इन्वेस्ट करने से और इस तरीके से बिजनेस से संबंधित कोई प्लान करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। याद रखें, फरवरी और मार्च में, इन दो महीनों की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का धन संबंधी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो इससे बचें। इसके बाद अप्रैल मई की बात करें तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा, और जो आप डिसीजंस लेंगे या जो आप डिसीजन देंगे वो शत प्रतिशत सही होंगे, उसके मुताबिक आपको लाभ मिलेगा, पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना कि धन चंचल होता है, धन को रोकना आसान नहीं माना जाता है, इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी को रोकना आसान नहीं माना जाता है, लेकिन इस वर्ष सिंह राशि वाले कुछ नया करके दिखाएंगे। ये 2018 की तुलना में 2019 में ये लोग अपने पास धन जमा करने में समर्थ हो जाएंगे, ये एक अच्छी खबर है इनके लिए। जाहिर है कि फरवरी मार्च में आपके खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन सिंह राशि का एक नॉर्मल स्वभाव है कि सुख हो या दुख हो अपने चेहरे पर ये ज़्यादा महसूस होने नहीं देते हैं। किसी भी तरह की समस्याओं को अपने चेहरे पर महसूस करने नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है इनकी। 2019 में आपने किसी से कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। बैंक में अगर आप लोन के लिए आवेदन किया है वह भी आपके फेवर में उसका निर्णय होगा, और आपके मनपसंद वाहन की भी प्राप्ति होने की संभावना है जो शायद काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था। तो 2019 में अगर देखा जाए पूरी तरीके से, तो दो चार महीने अगर छोड़ दें, फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह के दो चार महीने अगर आप छोड़ दें, तो सुख दुख तो चलता ही रहेगा, लेकिन जब ओवरऑल निर्णय किया जाता है तो आप देखेंगे 2018 की तुलना में 2019 आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा लाभकारक था, ऐसा आप महसूस करेंगे। फिर भी आप अगर अपने जीवन में परेशान हैं, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे कर्ज की समस्या हो, धन आने के स्रोत कम हों, कहीं से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो सिंह राशि वालों के लिए एक मैं गोपनीय मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का अभ्यास आप करें, और वो मंत्र है ओम सूम सूर्याय ह्रीम श्रीम रंग स्वाहा।
मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम सोम सूर्याय ह्रीम श्रीम रम स्वाहा। इस मंत्र का नियमित 500 जाप करें। 500 जाप का अर्थ है धीमी आवाज में जाप करना, आपकी आवाज़ दूसरों को सुनाई न पड़े इतनी आवाज़ में आपको जाप करना होता है। और यह जाप आपके मन मस्तिष्क को एक्टिव करती है। ध्यान रखें, यह मंत्र सिर्फ उनके लिए है जो सिंह राशि के हैं, सिर्फ उनके लिए ही है। इस मंत्र से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मंत्र को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। महिलाएं रेगुलर कर सकती हैं, लेकिन मासिक धर्म की समस्या में 3 से 5 दिन का गैप करने के बाद फिर इसे आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, सुखी रहें। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है, और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।